नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से गोदान की चौपाल में। आप समझ गए होंगे, मैं रचना यदुवंशी स्वागत कर रही हूँ आपका किस्सा कहानी के फोरम पर, जहाँ आजकल मैं आपको गोदान पढ़ के सुना रही हूँ और आप बहुत ही अच्छे संजीदा श्रोताओं की तरह गोदान सुन रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 17 अध्याय पढ़कर सुना दिए हैं पिछले रविवार तक, और जैसा कि परिपाटी है कि मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी 17वें अध्याय तक क्या हुआ, ताकि वो क्रमशः बिंदुओं को आप आगे बहुत अच्छी तरीके से जोड़ सकें। 17वें अध्याय तक आपने देखा कि वो, आपको याद होगा कि जमींदार साहब के यहाँ जो मिला जुटा हुआ है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग आए हुए हैं उनके अतिथि के तौर पे, उनका प्रोग्राम बनता है, वो जंगल ट्रिप पे जाते हैं, दो दो की टोलियाँ बन जाती हैं, मेहता और मालती एक टोली में हैं, शिकार करने के लिए निकले हैं, जंगल की यात्रा पर हैं। और 17वां अध्याय अगर आपको याद है तो मैं आपको बता दूँ, एक वाचक के तौर पर मुझे सबसे ज्यादा जो रोचकता लगी है पाठन में और जो आनंद आया है वो 17वां अध्याय, क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगी बहुत सौम्यता से कि मैं भी लिखने का प्रयास करती हूँ, मैं भी लेखक हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर आप मानवीय संबंधों पर लिख रहे हैं तो आपको बहुत महीन मनोवैज्ञानिक होना होता है, तभी आप खूबसूरती से लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं जो पाठकों के दिल को छुएगा। अब आप देखिए 17वां अध्याय में मेहता मालती, और अगर आपको याद होगा एक लड़की की जिसके नाम का उल्लेख नहीं किया प्रेमचंद जी ने 17वां अध्याय तक की एंट्री हुई है। एक तरफ 16वां अध्याय तक मालती जी पूरी तरीके से बेचैन थी, व्यग्र थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मेहता जी से इस तरीके का संवाद कर रही थी कि वो जैसे सुनना चाह रही हों कि वो उन्हें प्रेम संबोधन दे दें, उनसे प्रेम आग्रह कर दें, यानी उन्हें प्रपोज कर दें या उनकी प्रशंसा में कुछ कह दें जिससे आगे का कुछ कारवां बढ़े, लेकिन मेहता जी वो नहीं कर रहे थे। जब 17वें अध्याय में उस लड़की की, बल्कि 16वें अध्याय में हो गई थी, 17वां अध्याय तो आप देखिए पूरी तरह केंद्रित रहा उसी अनाम लड़की पे, जो प्रेमचंद जी ने नाम नहीं लिखा, सिर्फ उसकी भावभंगिमाएं, उसकी कार्यकर्दगी, उसकी गतिविधियां उन्होंने लिखी हैं 17वें अध्याय में। वो लड़की, उस पर केंद्रित रहा पूरा 17वें अध्याय का दारोमदार। क्या था वो, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि वो मेहता जी के लिए जो मेहता जी ने चिड़िया मारी थी राइफल से, वो नदी में गिर गई थी, फिर वो उस लड़की ने लाके दी थी, और किस तत्परता से और कितनी तेजी से, फुर्ती से उसने छलांग लगा करके, तो वहीं से वो, अच्छा उसके पास, नदी के पास उसकी झोपड़ी थी, वो उन दोनों को ले गई वहां पे। उस लड़की का जो श्रद्धा भाव से ओत प्रोत आतिथ्य करने का जो उपक्रम प्रेमचंद जी ने लिखा है, और जो बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ पाए होंगे कि मेहता जी बिल्कुल इस बात से इतने उस पे मुग्ध हो गए थे कि बताइए वो हमें जानती तक नहीं है, और उसका इतना सेवा भाव कि वो जो कुछ कर पा रही थी अपनी सीमाओं में, अपने सीमित संसाधनों में, वो सब कुछ देने के लिए तत्पर थी। वो बताती भी है कि मेरे पास गेहूं का आटा नहीं है लेकिन मेरे पास चने का आटा है, मैं मांस पका दूंगी, मेरे पास दूध है, वो ये सब प्रस्तुत भी करती है। और इन सब चीजों के बीच में प्रेमचंद जी बहुत ही शालीनता से, मैं आपको बता रही हूं कि मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उसके सौंदर्य का वर्णन करते चल रहे हैं प्रेमचंद जी, उसकी देह की मांसलता, उसके अंगों का विलास, लेकिन आप देखिए कि सुनने में और पढ़ने में वो कहीं से भी अश्लील नहीं लग रहा था, और वो भी कर रहे थे प्रेमचंद जी इसके माध्यम से कि वो इतनी इतनी सुंदर और इतनी अनगढ़ लड़की थी, लेकिन और उसके कार्यों का जो उन्होंने वर्णन किया है। दूसरी तरफ मालती जी का जो मनोविज्ञान उन्होंने लिखा है वो काबिले तारीफ है, कि मतलब मालती जी ये देख करके हतप्रभ थी कि मेरे जैसी इंटेलेक्चुअल लड़की जो कि विदेश से मेडिसिन पढ़ के आई है, उसे मेहता जी, मतलब उन्होंने कितने घंटे गुजारे होंगे इस बात को निकलवाने में कि मेहता जी उनकी प्रशंसा में 5-6 शब्द कह दें, जो कि नहीं निकले, बहुत ही कम निकले। आए मुझे तो शायद याद नहीं कि उन्होंने मुक्त कंठ से मालती जी की कभी प्रशंसा की हो किसी भी चैप्टर में, लेकिन उस लड़की को इतना अनुरक्त भाव से देखना, उन्होंने लिखा है कि अनुरक्त नेत्रों से देखा, और उसकी हर चीज पर एकदम जैसे उसकी गतिविधि का कायल हो जाना, ये मालती जी से बिल्कुल नहीं पच रहा है। और जो आप आगे, मैं आपको याद दिलाऊंगी क्योंकि मुझे याद है, लास्ट संडे मैंने आपके लिए पढ़ा था और आज मैं पढ़ रही हूं, कि मालती जी का जो अभिमान भरा सामंतीपन है,
अहंकार भरा, जो उनको जो ये है कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत धनाढ्य हूँ, तो मेरे आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। आप देखिए, इतना मुझे आश्चर्यचकित करने वाला वो था कि जिसमें 3 पंक्तियों में लगभग 3 बार उन्होंने, मिस मालती ने उस लड़की को कलूटी कहा है। ये पराकाष्ठा थी उनके अपमान की, उस लड़की के अपमान की, उनके अहंकार की। ऐसा प्रेमचंद जी ने दिखाया है व्यक्तित्वों के माध्यम से कि एक व्यक्ति कितना साधारण दिखने वाला, लेकिन कितना श्रद्धा भाव, सेवा भाव से ओतप्रोत, और उस लड़की की इन्हीं क्वालिटीज पे मेहता जी एकदम निछावर हो गए हैं। और एक जो बहुत पढ़ा लिखा तथाकथित बहुत बौद्धिक वर्ग, उसकी सोच देखिए कि वो मेहता जी को लिटरली लास्ट में लताड़ने लगती हैं कि मैं समझ गई हूँ, तुम पुरुषों को ऐसी ही लड़कियाँ पसंद आती हैं। उनके माइग्रेन हुआ। अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन वो चूंकि बहुत ही रोचक प्रश्न थे, मालती जी को माइग्रेन हुआ तो वो लड़की दौड़ती हुई उनके लिए जड़ी बूटी लेने चली गई, और इस बात से मेहता जी इतने ज़्यादा उस पर मुग्ध हो गए कि बताइए, कोई भी घनिष्ठ रिश्ता होता, कोई भी मित्र होता, तो इतनी कड़ी धूप में, इतनी तपती धूप में, जो उन्होंने वर्णन किया है कि लू चल रही है, गर्म है, वो लड़की दौड़ करके जड़ी बूटी लेने चली गई और आकर के पूरी पीसा उसने उसको, और उसको प्रस्तुत कर रही है कि आप ये लगा लीजिए, आधा सीसी का दर्द है, चला जाएगा। तो प्रेमचंद जी ने मेहता के माध्यम से लिखा है कि विश्व बंधुत्व और विश्व स्नेह पर हम, मैं लिख सकता हूँ एक दार्शनिक के तौर पे, लेकिन जो करके दिखाया है वो ये लड़की है। वो खुद कह देते हैं अपने मुंह से ये बात, तो मालती जी के जो खिन्नता का जो पैमाना है वो एकदम छलक पड़ता है, और वो अंत जो होता है वो इस बात से होता है कि वो उसे आदेश देती हैं कि जाओ तुम गाड़ी लेकर के आओ, गाड़ी वहाँ खड़ी है जमींदार साहब की, और लेकर के आओ उसको। और फिर आप एक और ट्विस्ट देखिए इस पूरे वर्णन में, पूरी रूपरेखा में, कि जब लड़की अभी तक बहुत विनम्र थी, पूरी श्रद्धा भाव, आतिथ्य भाव से वो सब कुछ सत्कार करने का प्रयास कर रही थी, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करते हुए, लेकिन जब वो मालती के इस कथन को सुनती है कि नहीं यही जाएगी, और कलूटी शब्द शायद उसने सुना, मुझे इतना याद नहीं कि वो लड़की ओवर हियर कर पाई कि नहीं कर पाई, लेकिन उसे 2 बार कलूटी कहा, मतलब कहलवाया है प्रेमचंद जी ने मिस मालती के मुख से। वो लड़की जब ये देखती है कि वो अड़ गई हैं और कहती है कि नहीं यही लड़की जाएगी कार बुलाने, मेहता जी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो खाना आधा खाना छोड़ के खड़े हो जाते हैं और एक बहुत अच्छी पंक्ति कहते हैं कि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकती मालती, तो तुम्हें अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। और वो लड़की भी इस बात का जवाब देती है कि मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ, यानी मैं किसी की दासी नहीं हूँ, मैडम आप जो है अपने घर की बड़ी होंगी। और तो इस बात से वो इतनी खिन्न हो जाती हैं, आप सोचिए कि, और ही पराकाष्ठा मुझे लगी उनकी इस पंक्ति की कि वो कहती हैं कि तुम किस एरिया की रहने वाली हो, अपना क्षेत्र बताओ, मैं, वो मेरे मित्र हैं, मैं तुम्हें पिटवाऊंगी। मतलब अहंकार, अभिमान, सामंती व्यक्तित्व, ये आप देखिए कि पूरी पराकाष्ठा पे प्रेमचंद जी ने लिखा है कि 2 वर्ग हैं, दोनों के सोचने का और काम करने का तरीका कितना अलग है। अंत जो है वो बहुत ही आश्चर्यचकित और विस्मित कर देने वाला कि मेहता जी इतने फॉर्म और इतने दृढ़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो नहीं जाएगी कार वालों को बुलाने, मैं जाऊंगा, तुमको आना हो तो आओ। और मालती जी उनकी दृढ़ता से प्रभावित हो जाती हैं और पीछे चलने लगती हैं। और अंत जो है प्रेमचंद जी ने करवाया है कि मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके चरणों की पूजा करना चाहते हो, तो माना। वो अभी भी, मतलब ईर्ष्या का जो भाव है उनमें, वो इतना बिल्कुल कहते ना सतह पर आ गया है कि मेहता जी को पता चल रहा है, वाचक को पता चल रहा है, पाठकों को पता चल रहा होगा कि मालती जी कितनी जेलसी से ओतप्रोत हो गई हैं कि इस लड़की में ऐसा क्या खास है जो मेहता उस पर इतने आसक्त हुए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अंतिम पंक्ति जो है 17वें अध्याय की, वो जब मालती 2-3 कदम चली गई, मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह नेह और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा मुझे हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। ये 17वें अध्याय का अंत था। 18वां शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 17वां अध्याय के जितना रोचक मुझे लगा, जितना महीन मुझे लगा, क्या आपको भी लगा, टिप्पणियों में मुझे जरूर बताइएगा। 18वां अध्याय शुरू करते हैं। दूसरी टोली राय साहब और खन्ना की थी। राय साहब तो अपने उस रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाटा था जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था।
क्योंकि खन्ना को असामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ थी कि जानवरों का शिकार करते। सटायर देखिए आप, खन्ना ठिगने इकहरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी आंखें, मुंह पर चेचक के दाग, बातचीत में बड़े कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छेड़ दिया तो कल से ही उनके मस्तिष्क में राहू के भांति समाये हुए थे, तो वो भी उस पर पलट के बोले, ये मेहता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता की इज्जत करते थे, उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था। कुछ स्वभाव से शांत प्रिय भी थे, विरोध न कर सके। बोले, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूं तो इतनी विद्या कहां से लाऊं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वे अगर जीवन के विषय में कोई ना कोई सिद्धांत अलापता रहे तो मुझे उस पर हंसी आती है। मजे से हजार महावार फटकारते हैं, ना जोड़ू का जाता, ना कोई चिंता, ना बाधा, ना वो ना दर्शन बघारे, वो ना दर्शन बघारे तो कौन बघारे। मतलब करते धरते कुछ है नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। आप निर्द्वंद रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं, ऐसे आदमी से क्या ही बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है, समाज में रहो, समाज के कर्तव्यों मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। कितनी गहरी बात। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हो गई हैं, मुझे वो क्या जलाएंगी बेचारी, मैं उन्हें खिलौने से ज्यादा नहीं समझता। अब आप समझिए कि कॉन्वर्सेशन चल रहा है मिस मालती और मेहता जी के बारे में, जिसे आजकल के दौर में हम लोग बिचिंग कहते हैं, कि जो व्यक्ति महफिल में नहीं होता है उसके बारे में बात हो रही है, यानी बिचिंग हो रही है। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर तो तुम जान देते हो। यूं तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ, मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर देकर कहका मारा, हालांकि हंसी में कोई बात नहीं थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर का कहका मारा, जिसका कोई प्रयोजन नहीं था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं, आप जितनी उसकी पूजा करेंगे उतनी वो आपसे दूर भागेगी, जितना ही दूर भागेगा उतनी ही आपकी तरफ आएगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था। मेरी ओर? मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना, सच कहता हूँ, मेरी जितनी बुद्धि जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त, कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में मगन, और मैं इन सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से ताल्लुकेदार भाई भोग विलास करते हैं पर मैं सब जानता हूँ, मगर ये लोग घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सर पे लदा जा रहा है, रोज डिग्रियां हो रही हैं, जिसे लेते हैं उसे देना जानते नहीं। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई है। आत्मश्लाघा के मूड में है राय साहब, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा, मेरे भाई साहब शराब कबाब में मस्त थे, मैं अपने आप को रोक न सका, जेल गया, लाखों रुपए की जेरवारी उठाई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूं। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूसूं और अपने परिवार वालों की वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊं, मगर क्या करूं, जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे घृणा होने पर उसका मोह त्याग नहीं कर सकता। उसी चरखे में रात दिन पड़ा रहता हूं, खटता रहता हूं, किसी तरीके की इज्जत आबरू बस बची रहे और आत्मा की हत्या ना होनी पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका सर्वनाश ही समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन करना दूर की बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले, दो बार जेल हो आए थे, किसी से दबना तो जानते नहीं थे, खद्दर नहीं पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे, अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल लेते थे, जेल में शराब छुई तक नहीं, ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते थे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेज के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। मैं रमणी से प्रेम नहीं कर सकता, उसके देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं है। राय साहब मुस्कुराए, आप मुझे पर आवाजें कसने लगे हैं। शायद नहीं, तत्व की बात है। शायद? आप अपने दिल के अंदर पैठ के तो देखिए, पता चलेगा। मैंने तो पैठ के देखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहां और चाहे जितनी बुराइयां हो, विषय की लालसा नहीं है। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप जो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो ये नाटक खेल के रहूंगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो,
वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हारने वाला मनुष्य नहीं हूँ। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका मैं निश्चय नहीं कर पाया हूँ। लेकिन यह कुंजी आपको शायद ही मिले, मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़े सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना सा बांधा, खन्ना ने रोका, क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चर रहा है, चरने दो, धूप तेज हो गई है, आइए कहीं बैठ जाएं, कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई मगर हिरन भाग गया, बोले एक शिकार मिला था, वो भी निशाना खाली चला गया। एक हत्या से बच गए आप, आपके इलाके में ऊख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में आप शामिल हो जाइए। अब बिजनेस टॉक्स होने लगी हैं, तो फिर क्यों ना आप शुगर मिल में शामिल हो जाइए, हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं, आप ज्यादा नहीं 1,000 हिस्सा खरीद लीजिए। गजब किया, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा, इतने नामी इलाकेदार, आपको रुपयों की कमी है, कुल 85,000 तो होते हैं, उनमें अभी 25% ही देना है अभी। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है, रुपए चाहे जितने जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी जिंदगी इंश्योर्ड न कराई है, मेरी कंपनी से एक अच्छी पॉलिसी ले लीजिए, 100-200 रुपए तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और एक अच्छी रकम जाएगी 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते, हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं, दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नफे की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। अब आप देखिए कि निखालिस जो इंश्योरेंस वर्कर एजेंट होता है उसकी तरह जो है खन्ना जी बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी कैसे चल रही है, और मेरी सलाह से थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। ये जो आज सैकड़ों करोड़पति बने हैं, इस सभी स्पेकुलेशन से बने हैं, रुई, शक्कर, गेहूं, रबर, किसी जींस का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वादा न्यारा हो जाता है। काम जरा अटपटा है, बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी हैं, आप जैसे अनुभवी सुशिक्षित और दूरंदेश लोगों के लिए इससे ज्यादा नफे का काम कोई हो ही नहीं सकता। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं है, इसका भी एक विज्ञान होता है, एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल है कि आप धोखा खा जाएं। राय साहब कंपनियों पर अविश्वास करते थे, उन्हें एक दो बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो भी चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों से बढ़ते हुए देखा था और उनकी कार्यक्षमता के कायल थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वे केवल अपने अध्ययन से, पुरुषार्थ और प्रतिभा से शहर में पूजने लगा था, उसकी सलाह की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी विषय में अगर खन्ना उनके पथ प्रदर्शक हो जाएं, तो उन्हें ये बहुत कामयाबी मिल सकती है, ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए, तरह तरह के प्रश्न करते रहे वो। सहसा एक देहाती बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़े, कुछ पत्तियां, कुछ फल लिए नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पड़ जाए, बोला कुछ नहीं मालिक, घास पात है, क्या करेगा इनका, बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है? देहाती ने अपना औषधालय खोल के दिखाया, मामूली चीजें थी जो जंगल के आदमी उखाड़ के ले जाते हैं, शहरों में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच देते हैं, मकोए, कंगी, सदैया, कुकरौंदे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, कर्जे, घुमची आदि, हर एक चीज दिखाता था और रटे हुए शब्दों में उसके गुण का बयान करता था। ये मकोए है सरकार, ताप हो, मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, शूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम मिलता है। ये धतूरे का बीज है, मालिक गठिया हो, बाई हो, खन्ना ने दाम पूछे, उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपया फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुंह मांगा दाम ही पाया, उसका मुंह मांगा दाम ही नहीं बल्कि उसका दुगना पाया, आशीर्वाद देके चलता बना। राय साहब ने पूछा, आप ये घास पात लेके क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुरा कर कहा, इनकी अशर्फियां बनाऊंगा, मैं कीमियागर हूं, ये शायद आपको नहीं मालूम। हाँ यार, ये मंत्र तो हमें भी सिखा दो। हाँ हाँ, शौक से, मेरी शागिर्दी कीजिए, पहले 1.25 लड्डू चढ़ाइए, फिर बताऊंगा। बात यह है कि मेरे तरह तरह के आदमियों से साबका पड़ता है, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पे जान देते हैं, उनको इतना मालूम हो जाए कि आप किसी फकीर की दी हुई बूटी आपके पास है, तो वो आपकी इतनी खुशामद करेंगे और नाक रगड़ेंगे कि बस वो किसी तरह आप वो चीज उन्हें दे दें, और हमेशा के लिए आपके ऋणी भी हो जाएंगे। 1 रुपए में अगर 10-20 बुद्धों पर एहसान का नमदा कसा जा सके तो क्या बुरा है, जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल आते हैं। अठारवा अध्याय आज मैं यही समाप्त कर रही हूं, मुझे लगता है कि 17वें अध्याय के वाचन में मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय आज लगा दिया। 18वें अध्याय को आज हम खत्म कर रहे हैं, अगले रविवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी गोदान के 19वें अध्याय के लिए।
बने रहिएगा गोदान के साथ, रचना इदवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।